अमृता के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, अगर मैं आज कुछ अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तो उसका कारण शिक्षा है। भारत के महान विचारक आचार्य चाणक्य ने कहा, स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसलिए आप लोगों को जो शिक्षा दी जा रही है वो बहुत पूज्यनीय भी है, वो बहुत प्रेरणादायी है, वो बहुत उसके बड़े अर्थ हैं। यूं तो गढ़ एक बहुत पावन तीर्थ है। गढ़ के कारण भागीरथ के गणों की मुक्ति के कारण लिए गंगा को धरती पर आना पड़ा, तो गढ़ कितना महत्वपूर्ण है और गढ़ के वासी कितने महत्वपूर्ण है, वो साक्षात पृथ्वी पर देव तुल्य है, वो साक्षात पृथ्वी पर देव तुल्य है। मैं इस कार्यक्रम में यहां के बच्चों का प्रतिभा को देखकर ये दावा कर सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चे न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि इंडिया को टॉप कर पूरी दुनिया में अपनी सफलता का परचम लगाएंगे। यहां के विद्वान शिक्षक, यहां की शिक्षा का वातावरण इस बात को इंगित करता है, इस बात का साक्षी है, इस बात का गवाह है। यू तो उमेश जी का जीवन दर्शन ही शिक्षा है। वो हर चीज से समझौता कर सकते हैं मगर शिक्षा की उच्च गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं कर सकते। वो चाहते हैं मेरे बच्चे उच्च शिक्षा के मापदंडों से युक्त हो, मेरे विद्यालय के बच्चे भारत में प्रथम बने, मेरे विद्यालय के बच्चे विजेता बने। मैं उमेश जी को बहुत करीब से जानता हूं, उन्हें पराजय स्वीकार नहीं है, उन्हें पराजय स्वीकार नहीं है। आज गणमुक्तेश्वर को उन्होंने शिक्षा का पावन तीर्थ बना दिया है। यहां से गुजरने वाला, यहां से आने जाने वाला हर व्यक्ति ये कह सकता है कि सैनरा पब्लिक स्कूल शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। वो वास्तव में आचार्य चाणक्य के रूप में उभरे हैं। अगर मैं उन्हें गढ़ का आचार्य चाणक्य कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थियों, जीवन में सफलता के लिए सब कुछ जरूरी है लेकिन शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है, व्यायाम भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, मगर बिना शिक्षा के मनुष्य में, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होता। अगर मनुष्य और पशु में कोई अंतर है तो मनुष्य शिक्षित है और पशु अशिक्षित है। इसलिए आप शिक्षा के मापदंडों में इतने ऊंचे पहुंचे, दुनिया में अगर कोई भी बड़ा व्यक्तित्व बना है तो वो शिक्षा के कारण बना है। उसका रीजन शिक्षा है, उसका कारण शिक्षा है, उसका सब सब कुछ शिक्षा है। यहां आकर मैंने ये विशेष पाया है, दो महान व्यक्तित्व की जयंती के पावन अवसर पर एक ने कहा कि जय जवान जय किसान, ये थे भारत किसान। एक ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म वाला इतना शक्तिशाली था महात्मा गांधी जी, उन्होंने उस हुकूमत को भारत से विदा कर दिया जिस हुकूमत के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। ये भारत की ताकत है, ये हमारी ताकत है, ये भारत की संस्कृति का संगमन है। अहिंसा परमो धर्म सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान। इन महान संतों की पावन जयंती के अवसर पर सेना स्कूल के एनुअल फंक्शन के अवसर पर, यहाँ बच्चों की फैंसी ड्रेस के अवसर पर मैं यहाँ के शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षक समाज के चरित्र का परिचायक है, उन्होंने अपने बच्चों का चरित्र समाज के सम्मुख जो रखा वो वास्तव में बहुत बड़ा और महान है। हम कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चे, यहाँ का विद्यालय, यहाँ का
हम जितनी प्रसन्नता के शायद जो हमारे तब कम पड़ जाएंगे उनका योग उन्हें भी बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक दो बात कहकर पुरानी को ध्यान दूंगा। अनेक कारणों से प्रसिद्ध है वर्तमान समय में काव्य के क्षेत्र में राजकुमार हिंदुस्तानी के नाम से भी ठाकुर और गौरव प्रसिद्ध है। वो ऐसे कवि हैं जिनका चिंतन समाज और विद्यार्थी पर आधारित है। विद्यार्थी ही समाज को सुधारता है और इस सब की जड़ शिक्षक है। जब शिक्षक सुधार करता है समाज का हर वर्ग सुधरता है। समाज का हर वर्ग शिक्षक पर आधारित है। जिस समाज में शिक्षक प्रेरणादायी हो वो समाज प्रेरणा के शिखर को छूता है। वो शिक्षक भी है और वो कवि भी है। यहाँ सुबोध यादव का बड़ा योगदान है। उन्होंने उन्हीं से शिक्षा पाकर उमेश जी से शिक्षा पाकर अपने एक ऐसे खेल के क्षेत्र में यहाँ का नाम रोशन किया है। उनके विद्यार्थियों को देखकर उनके खेल के परिणाम को देखकर हम इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि यहाँ के बच्चे एक दिन भारत में गोल्ड जीतेंगे जूडो में और विभिन्न खेल में। कैनरा पब्लिक स्कूल के बच्चे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्थिति को टॉप पर रखेंगे। मैं ज्यादा न कहकर अपनी शब्दों को इन्हीं शब्दों से